जिसके अंदर उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें बताई, लेकिन एक जगह वो चुक गए। वो चुक इस तरह से गए कि जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब खैर खैरियत से हैं। मैं अभी एक साहब का वेट कर रहा हूं और मुझे इंतजार करते हुए कोई तकरीबन 16 मिनट तो हो गए जब से मैं आया हूं यहां पर। और अभी जो लास्ट मैसेज आया है साहब का, वो कहते हैं कि 20 से 25 मिनट और लगेंगे। तो मेरी तो बस होने वाली है, क्योंकि कोई तकरीबन 35-40 मिनट मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा उनसे मुलाकात से पहले। और मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिशियल मीटिंग पर हूँ, नहीं मिला तो मैनेजमेंट या बॉस खड़ी खड़ी सुना देगा। वैसे ही आजकल हालात टाइट चल रहे हैं, रमज़ान के दिन हैं, रोज़े और खाना पीना एक तरफ, लेकिन ये कि काम अपनी जगह पर खड़ा पड़ा है। और रिसेंटली मैं जुनेद अकरम साहब की एक वीडियो देख रहा था, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई, लेकिन एक जगह वो चुक गए। वो चुक इस तरह से गए कि इंतज़ार कराने में ना हम इंडिया से कहीं आगे हैं यार, या शायद सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया हमसे, हम अपने माइंडसेट में, अपनी टेक्नोलॉजी में या इवन रिजर्व्स में बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इंतज़ार कराने में हम और इंडिया शायद बराबर है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में तो उसको बहुत मायूब समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा स्टैंडर्ड है ये। जब तक कि आप 15-20 मिनट किसी को इंतज़ार ना कराओ ना, मिलने का दिल ही नहीं करता है किसी से। और ख़ास तौर पे जब 10-15 मिनट होने को होना, तो एक अचानक एक मैसेज कर दो कि जी 20 मिनट और इंतज़ार करना पड़ेगा, तो आदमी की और सुलग जाए, इंसान की और बस हो जाती है। और ख़ास तौर पे जब मिलना ज़रूरी हो ना, तो इंसान कुछ कर भी नहीं सकता, और जब आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते ना, तो बर्दाश्त करना पड़ जाता है। और यही बर्दाश्त शायद हम जैसे पाकिस्तानियों की कामयाबी का राज है, कि हम बर्दाश्त करते हैं और सिमिलर ट्रीटमेंट हम अपने सामने वालों को भी देते हैं जब हम उनको इंतज़ार कराते हैं। तो साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। तो यहाँ तो जुनेद साहब चुक गए, लेकिन मैं उनकी तमाम तरह बातों से काफ़ी हद तक इतफाक करता हूँ कि जो जो बातें उन्होंने कही बहुत ज़बरदस्त कही। गुड लक फॉर हिज फ्यूचर, और मैं चाहूँगा कि वो इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातें हम सबको बताते रहें। तो जब तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं डर भी रहा हूँ कि कहीं कोई आ गया तो बाबू राव दिखाएगा और मुझसे मेरा मोबाइल और वॉलेट ले जाएगा। तो एनीवे, दुआ करें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। भैया अब 18 मिनट रह गए इंतज़ार करने को।